ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਵਿੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ जिक्रयोग है कि कुछ समय पहला नाभा हल्के के पिंड चैल विखे साधु सिंह धर्मसोत का किसान यूनियन के वालों विरोध किया गया सी। उस मौके किसान यूनियन एकता डकौंदा पिंड सौली सहौली इकाई की प्रधान बीबी सरजीत कौर वालों मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को कुछ सवाल पूछे गए सन, जिस तो बाद मीडिया नाल गलबात करते हुए यूनियन का कहना है कि मंत्री वालों बीबिया के खिलाफ अपशब्द बोले गए अते एक होर कांग्रेसी आगू पंकज पप्पू वालों भी बीबिया के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, जो कि नारी जाति का अपमान है। यूनियन के आगुआ ने कहा कि जो तक साधु सिंह धर्मसोत जनतक माफ़ी नहीं मंगते उदों तक मंत्री धर्मसोत का विरोध जारी रहेगा। नारी जाति का अपमान करने वाले आगू मुर्दाबाद जिंदाबाद लोक एकता जिंदा ਵੀਰੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੇ ਭੱਜੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਦਾਮ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਵੀਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸੋਤ ਤੇ ਪੰਚਕ ਪੱਪੂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧੂ ਜੋਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਧਰਮ ਸੋਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਧਰਮ ਸੋਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਚਕ ਪੱਪੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਚਕ ਪੱਪੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ यह जी रोस प्रदर्शन इस करके किया गया जो थोड़ा सारा पता है, पिछले दिन साधु सिंह धर्मसोत जिहड़ा कैबिनेट मंत्री है तो उन्होंने सवाल पूछे थे चहल विखे, तो उस सवालों का जवाब ना देंदे हुए उसने साड़ी जथेबंधक बीबी सरबजीत कौर सहौली से जोड़े दोष लाए थे ठगी मारन के। हुण असीं उन्हूं पुछना चाहुंदे आ, जां तां ठगी लगी हुई वह सानूं साबित कर देवे, जां फिर वह इस इत्थे तक असीं गल कहने आ भी जिथे तक हो सकूगा नाभे ब्लाक के जिन्ने भी पिंड ने किसी भी पिंड उसनूं बण नहीं दिता जाऊ। देखो जी, बीबा जी ने आपदे बणदे सवाल किए साधु सिंह धर्मसोत नूं, उन्होंने जिन्ने भी देखो हरेक वोटर का यह फर्ज बनता कि आपदे वो चुने हुए लीडर तो सवाल पूछे, पर सवाल पूछण तो बाद तीन चार दिन बाद मीडिया के आके साधु सिंह धर्मसोत ने जिहड़ी गलत शब्दावली वरती आ जिदे विच बीबी नूं ठगियां मारन वाली कहा गया है, कहिंदे 500 रुपया इकट्ठा करती है, उस बीबी दे जिहड़े मतलब हसबैंड ने वो देश की सेवा कर रहे हैं सूबेदार रैंक वालों, मतलब उत्थे सेवा निभा रहे हैं फौज दे विच, ते वो बीबी लई ये शब्दावली है जिहड़ी एक हासोहीणी, मैनू लगता एक अपने पंजाब ते यह सियासी लोगों के धब्बे वाली गल है। एक धर्मसोत जो इतने मंत्री एक पंकज पप्पू है साढ़े एक सौली पिंड तो बीबी जथेबंदी के असूल नाला इकट्ठे हो गए असं उन्होंने सवाल किए थे, बीबी ने भी भाई जो तो मंगा वायदे किए वोटों वेले सतारा च भी तुम वो घर घर नौकरी देती साढ़े बच्चों वजीफे देते वजीफे मेरे बच्चे वजीफा नहीं मिले वजीफा देना जी तुम्हें बाकी वो मंगा वो सवाल करते करते मतलब इतने आके फिर इन्होंने मतलब जनतक तौर पर
लैब हो के पप्पू ने भी इन्होंने भी खबर लवाती भी है जी जी बीबी है सौली वाली ये दिहाड़ीदार है पछड़ा कम कर देगा वह विरोध है ये असं लिख के दे चुके पहल बी एस एम दे चुके हैं एस डी एम दे चुके हैं भी यह जनक तौर पर माफी मंग ला भी जिम्मे इन्हें खबर लवाई है असं माफ़ कर लेंगे असं माफ़ नहीं करते जिन्हें चाहे मतलब वो निकलता जो संघर्ष जारी हो गया साढ़ा घर जारी है अच्छे तक जितने जाओ उसे घराव करा तो संघर्ष भी तिखा किया जाऊगा तो हर हालत से जी लड़ाई आर पार की लड़ी जाऊगी तो अज यह भड़को है मंत्री साढ़े किसान बीबी को बोलता है तो कल कोई सियासी पार्टी का कोई होर नुमाइंदा जोड़ा तो वह भी इस अंदोलन के खिलाफ बोलूगा संघर्षशील किसान बीबी के खिलाफ भी बोलूगा तो असं कद बर्दाश्त नहीं करा तो यू हर हालत जी माफिया मंगनी पेगी जी गलती है यू मिलनी पैनी है 100 करोड़ देखो सियासी पार्टी ने हूँ तक मुल्क का कुछ नहीं किया है झूठ दे पलंदे ने तो इन्होंने मुल्क न लुटिया है तो कुटिया है तो विकास से जो कोई पैसा लग्या हों देखता तो पंजाब इन्होंने लोगों ने लुट के खा लिया तो इन्हों लोगों को कोई आस नहीं रखनी चाहिए तो जिहड़ियां वोटां ने तो लोगों कोई यदा कोई लाभ नहीं है पाने का सरमाएदार वास्ते भुगत ने इतने सियासी पार्टियाँ तो आम लोगों वोटों का कोई हो नहीं करके भीर जदों असी चहल मंत्री साहब 4 सालों तक पहुँचे नहीं जो हम वोटों टाइम सड़क का उद्घाटन कर चलिया गया साढ़े कुछ ये वादे किए 5 सालों सवाल जवाब कर गए थे भीर सवाल जवाब कर गए सानू उत्थे इन्हां दे ही बंदे सानू गलत बोले असी एक साइड ते होके बह गए जदों मंत्री साहब पहुँचे पुलिस ने रस्सियां ला लई साडे नाल गलबात नहीं की असी इन्हां नू बाहर सवाल जवाब किए इन्होंने साडे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिता है तो कह रहा ना भी बीबी ने 500-500 रुपये ठगिया मारिया वो 500-500 रुपये असी घर घर जाके इकट्ठा किया भी असं दिल्ली अंदोलन वास्ते पैसा इकट्ठा किया एक वह बंदा सी पंचक पप्पू वनू पता हो भी दिहाड़ी वाला कौन आ खुद दिहाड़ीदार होगा तो मैनू दिहाड़ी वाली दस रहा ना असं भी कोई दिहाड़ी वाले असं किसी पार्टी ना नहीं असं किसान हाँ भी जन्ना चार जड़ी कोई सियासी पार्टी किसान जथेबंदी के खिलाफ अपना मूंह खोलन की जरूरत करूगी तो आने वाले समय के पिछे जिम्मे अच साधु सिंह का जुलूस कढ़िया जा रहा है बाकी का भी यही हाल होगा साधु सिंह धर्मसोत नारी जाति का अपमान करने वाले साधु मुर्दाबाद नारी जाति का अपमान भारतीय किसान एकता दिखाता जिंदाबाद लोक एकता जिंदाबाद वोटां प्रति पंज वादे किए पंजाब सरकार ने भी साड़ी सरकार आने असं पंज वादे पूरे करांगे भीर उन्होंने साडा एक भी वादा जनता का पूरा नहीं किया तो 4 साल हो गए भीर साड़ी सड़क अधूरियां पईयां सी कदे भी किसी भी पिंड विच आ के उन्हें कुछ नहीं देखिया तो भीर असीं तां आपदे सवाल जवाब करन गए सीगे उन्हां नाल भीर पहला सवाल सीगा साडे बच्चियां दा वजीफा बल्कि मेरे बच्चों का कोई वजीफा नहीं कहना जरनल है बीबी तो एस सी बी सी बच्चों का वजीफा सीगा भीरे तो घर घर नौकरियां तो साडा कर्जा माफ गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदी की भीर इन्हों ने किसी भी कोई वादा पूरा नहीं किया कैप्टन साहब ने गुटका साहब की सहुं भी खाधी सी भीरे मंत्री साहब ने कोई भी जवाब नहीं तो चुप ही वट ली
ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪੰਚਕ ਪੱਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਝਾੜੂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਊਂਗੀ। ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਊਂਗੀ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ, ਮੀਂਹ ਗੈਲੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ।